पता नहीं, हाँ याद आया, इकबाल बता रहा था शौकत का बाप भी उसे ढूंढते हुए आया है यहाँ वापस इस बस्ती में। उसे उसके दोस्तों ने बताया है कि कुछ दिन पहले उन्होंने खुद शौकत को शोरकोट के स्टेशन से मुल्तान जाने वाली गाड़ी पे सवार कराया है। पर अगर शौकत मुल्तान गया है तो उसने अपने घर वालों से रابطہ क्यों नहीं किया? इंशाल्लाह खैर थी वैस। आगे मुसाफिर बस का एक्सीडेंट हुआ है, रास्ता ब्लॉक है, आप कोई और रोड लीजिए। ठीक है साईं, जो हुक्म। ये लड़का कौन है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। नया पुलिस अफसर है सैन जी, अभी इलाके का चार्ज संभाला इसने। सुना है बड़ा ही कड़क अफसर है, आते ही सबको सीधा कर दिया इसने थाने में। खाना तो खा लो, क्या जल्दी है तुम्हें इस वक्त बाहर जाने की? आकर खा लूंगा, भूख नहीं है मुझे। और हाँ अब्बा, वो मिरल सही है ना, उसने मुझे अपनी पक्की नौकरी पर रख ली है। और वो कह रहा था हवेली के पिछले क्वार्टरों में से एक क्वार्टर भी देगा। कह रहा था अब मुझे रातों को देर हो जाया करेगी, तो तू अपने घर वालों को भी वहां ले आ। ऐसा क्या काम पड़ गया मिरल को तुझसे कि अब तू रात रात भर घर से बाहर रहेगा? नहीं चाहिए हमें उसकी भीख। हमारा घर छोटा जरूर है पर हमारा अपना तो है, तू उसको इनकार कर दे। क्यों इनकार कर दूं? क्यों मुझे तरक्की करने का कोई हक नहीं है? पता है जब से मैं मिरल सही का खास मुलाजिम लगा हूं, पूरे इलाके में मेरी टोर बन गई है और बाजार में सब लोग सलाम करते हैं मुझे। रुको तो सही, जा कहां रहे हो अभी? अभी जल्दी मैं हूं, बाद में बात करेंगे। तुम लोग हवेली चलने की तैयारी करो। असलम, हम यहाँ क्यों रुक गए हैं? बॉर्डर तो अभी आ गई है। यहाँ से रेंजर का इलाका शुरू हो जाता है, हमें दूसरी जानब से सिग्नल मिलने तक यही इंतजार करना होगा। सिग्नल मिल गया, तैयारी कर लो, घोड़े पे एक एक बंदा, ऊंट पे दो दो। खबरदार, कोई कोई पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ना चाहिए। सब लोग पकड़ो, खबरदार कोई नहीं रहेगा अपनी जगह से। कौन कौन था? कौन कौन है? हाँ,